नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं। आज हम पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम, यूपी जूनियर एडेड एग्जाम और सभी एग्जाम्स जिनमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आए हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। आज का पहला फैक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुद्दुचेरी विधानसभा को भंग करने व यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी गई है पुद्दुचेरी विधानसभा को। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री वी नारायण सम्मी के त्यागपत्र के बाद सरकार ने विधानसभा में बहुमत की शक्ति खो दी थी। सरकार ने पुद्दुचेरी में बहुमत की शक्ति खो दी थी। इससे पहले वर्ष 1991 में मार्च व जुलाई के बीच पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो इससे पहले भी 1991 में एक बार राष्ट्रपति शासन पुद्दुचेरी में लग चुका है। इस बार दूसरी बार है जो पुद्दुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा है और विधानसभा को भंग किया गया है। अगली न्यूज है, बेंगलुरु एयरपोर्ट ने 9 फरवरी 2021 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया, वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार, और किसे दिया गया? बेंगलुरु एयरपोर्ट को और किसके द्वारा दिया गया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। तीनों टॉपिक, तीनों प्रश्न हमारे बन सकते हैं। अगला न्यूज है, भारत व अफगानिस्तान ने काबुल नदी की एक सहायक नदी पर शहतूत बांध, लालंदर बांध के नाम से, शहतूत बांध का एक अन्य नाम भी दिया गया है लालंदर बांध, शहतूत बांध के नाम के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के बाद अफगानिस्तान में बनाया गया दूसरा बांध है। तो यह भारत और अफगानिस्तान के मैत्री बांध सलमा बांध के बाद अफगानिस्तान में बनाया गया दूसरा बांध है। और कौन सा बांध बनाया गया? शहतूत बांध, भारत व अफगानिस्तान के बीच और काबुल नदी की सहायक नदी पर। इम्पोर्टेंट है सभी टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं, यह न्यूज इम्पोर्टेंट है, इससे 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। अगला टॉपिक है, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। और उस दिन क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाने का फैसला लिया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना का शुभारंभ किया। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर रतले पनबिजली परियोजना बनाई गई है? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी पर कौन सी पनबिजली परियोजना बनाई गई है? रतले पनबिजली परियोजना। यह दोनों नाम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नामक एक माह का जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल जो एग्जाम होते हैं सभी में अभियान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सक्षम की फुल फॉर्म दी गई है संरक्षण क्षमता महोत्सव, और यह किस लिए चलाया गया है? प्राकृतिक व पेट्रोलियम गैस मंत्रालय ने हरित व स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक माह का अभियान है। इम्पोर्टेंट है, यह हमें याद करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को दिल्ली में खादी प्राकृतिक पेंट नामक भारत का पहला इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट लॉन्च किया। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली में खादी प्राकृतिक पेंट को किस नाम से लॉन्च किया गया? नॉन टॉक्सिक पेंट
लॉन्च किया गया, जो कैसा है, इको फ्रेंडली पेंट है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने 6 जनवरी 2021 को उच्च रणनीतिक महत्व वाली सेंट्रल विस्टा और नई संसद निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। तो नई संसद निर्माण परियोजना को किस प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अब मंजूरी दे दी है। और नई संसद भवन का आकार कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा और इसके वर्ष 2022 में पूरे होने की उम्मीद है, वर्ष 2022 में पूरे होने की उम्मीद है और आकार त्रिकोणीय होगा और प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगली न्यूज है, भारत अपने गैर स्थायी सदस्य के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 मुख्य सहायक निकायों, तालिबान प्रबंधन समिति, आतंकवाद रोधी समिति और लीबिया प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करने वाला है। तो भारत 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 3 मुख्य सहायक निकायों की 3 समितियों की अध्यक्षता करने वाला है UNSC के तहत। अगला है, भारत को दक्षिण कोरिया की जगह लेने के 3 वर्ष की अवधि IUCN APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारत ने किसकी जगह ली है, IUCN में APAP के सह अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए, और किसकी जगह पर, दक्षिण कोरिया की जगह पर। इम्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि आजकल जो न्यूज रहती है पर्यावरण से रिलेटेड उससे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो APAP क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है, APAP वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया में IUCN वर्ल्ड पार्क्स कांग्रेस में लॉन्च किया गया था, 2014 में ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया APAP को, और किससे संबंधित है, IUCN से, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है। और भारत को 3 वर्ष की अवधि 2023 तक इसके सह अध्यक्ष के रूप में दक्षिण कोरिया की जगह दी गई है। अगली न्यूज है और इम्पोर्टेंट है, पीएम ने 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में, प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में 6 स्थानों पर इंदौर, मध्य प्रदेश, राजकोट, गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, रांची, झारखंड, अगरतला, त्रिपुरा, लखनऊ, यूपी में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला कितने राज्यों में रखी गई है, 6 राज्यों में, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ, इन सभी में रखी गई है। अगली न्यूज है नोवा हार्ट एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 मार्च 2021 को तजाकिस्तान के दुशांबे में अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लिया। तो इस्तांबुल प्रक्रिया में किसने भाग लिया, तजाकिस्तान के दुशांबे में अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इम्पोर्टेंट न्यूज है, यह सम्मेलन क्या कार्य करता है, एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए सुरक्षा व सहयोग पर एक क्षेत्रीय पहल है। इसे तुर्की में 2011 में लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट न्यूज है। इस वीडियो में हम इन नोट्स को, हमने इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर किया गया है इन नोट्स में। तो यह न्यूज सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छठा, इब्सा महिला मंच। इब्सा महिला मंच क्या है, किन किन देशों के बीच है, इंडिया, इम्पोर्टेंट है ये, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, 3 देशों के बीच है इब्सा मंच। और छठा इब्सा मंच की बैठक का आयोजन किया गया 16 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, महिला और विकास बाल विकास मंत्रालय भारत द्वारा किया गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।